नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं होलकर कॉलेज एक बार फिर से पेपर नंबर 5 का एनालिसिस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज देखते हैं कि 6,500 विद्यार्थी जो 229 पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनका प्रश्न पेपर 5 कैसा गया, हिंदी में क्या पूछा गया, व्याकरण कैसी आई, किस प्रकार की शब्दावली पूछी गई प्रशासनिक, आज सभी का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ जुड़ चुके सर, आपका नाम? अंकित सिंह जाधव। अंकित, कैसा रहा पेपर? नहीं, सरल था वैसे तो, पिछली बार भी इजी था, इस बार भी और भी इजी था उससे। प्रशासनिक शब्दावली कैसी आई? एक बन गई थी, एक नहीं बनी, आर्बिट्रेटर नहीं बना मेरे से। और व्याकरण की बात करें तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया या आपको कठिन लगा? नहीं, कठिन तो कुछ नहीं, संधि बहुत ईजी आई थी और पर्यायवाची बहुत ईजी थे, विलोम भी ईजी था और तो अनेकांत बहुत एक शब्द आया था वो भी बहुत ईजी था, तो कठिन तो और कुछ नहीं था। समाज से नहीं पूछा गया इस बार? समाज से आया ना, वही है, द्वंद आया था शायद और तत्पुरुष के 2-3 टाइप थे बस, वही षष्ठी तत्पुरुष बताना था उनमें और ज़्यादा कुछ डीप नहीं था। मतलब व्याकरण का कोई ऐसा पोर्शन जो आपको लगा ये कठिन रखा गया? नहीं, कठिन तो कुछ नहीं था मेरे हिसाब से इस पेपर में, ट्रांसलेशन वो भी बहुत ईजी था, बस वही था जिसने पूरा अटैम्प्ट कर लिया और वो पल्लवन संक्षेपण अच्छे लग दिए तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। विवेक रघुवंशी। विवेक, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर तो सरल ही था, कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़े टफ थे बस। पल्लवन की बात करें, संक्षेपण की बात करें, कैसा रहा? पल्लवन थोड़ा मतलब हार्ड था, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। और शब्दावली की बात करें, प्रशासनिक शब्दावली? प्रशासनिक शब्दावली एक या दो आई थी, एक आर्बिट्रेटर करके आई थी एक, तो अब मुझको तो आया नहीं। व्याकरण कैसी लगी आपको, संधि समास कैसे पूछे गए? संधि समास तो सरल थे बिल्कुल, एग्जाम्पल पूछे गए थे, उदाहरण देने थे उनके। पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर सरल था या वैसे ही था? पिछली बार की तुलना में तो सरल था इस बार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट कल के पेपर के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके एक और विद्यार्थी, सर आपका नाम? दिनेश उपाध्याय। दिनेश, पेपर कैसा रहा? बढ़िया सर। अगर हम बात करें पिछले साल की तुलना में तो इस बार का पेपर आपको सरल लगा या पहले जैसे ही था? पेपर वैसे ही लगा मुझे, थोड़ा ट्रांसलेशन टफ हो गए थे, पिछले साल ट्रांसलेशन सिंपल आए थे लेकिन इस बार ट्रांसलेशन थोड़ा टफ लगे मुझे। पल्लवन कैसा लगा? पल्लवन सिंपल था। संधि समास? संधि समास भी ऑलमोस्ट, ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी थी तो सीधा लिख दिया हम लोगों ने। और प्रशासनिक शब्दावली? एक ही आई थी, आर्बिट्रेटर पूछा था तो उसका लिख दिया था। अब पेपर को हम सिंपल से मॉडरेट रखें या मॉडरेट से कठिन की तरफ? सिंपल से मॉडरेट चलेगा। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों का ये पेपर बहुत अच्छा गया, पिछली बार की तुलना से अगर कंपेयर करें तो इस बार हिंदी का पेपर थोड़ा सरल लगा उन्हें, संधि समास की बात करें तो नॉर्मल ही थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रखा गया, पल्लवन थोड़ा सा सामान्य था, बहुत ज़्यादा आसान या कठिन नहीं कह सकते। इसके अलावा जो शब्दावली आई थी, प्रशासनिक शब्दावली, इस बार कम पूछी गई। ओवरऑल बच्चों का ये कहना है कि जिन्होंने पल्लवन अच्छे से कर दिया है, संप्रेषण अच्छे से कर दिया है, उनका पेपर बहुत अच्छा गया। इसीलिए आज का अगर हम एक ओवरव्यू निकालेंगे तो ये कह सकते हैं कि आज का पेपर पिछले साल की तुलना में सरल था, आज यही एनालिसिस रहा। कल अंतिम पेपर है, उसके लिए भी हमारे साथ जरूर जुड़िए विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।